नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं क्या न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट। और आज हमारे खास सेगमेंट यादों के झरोखे में हम आपको एक ऐसा बेहतरीन किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप न सिर्फ हैरान हो जाएंगे बल्कि ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या वाकई में ऐसा भी हुआ था। लेकिन आप जब ये किस्सा सुनेंगे तो यकीनन आप भी दांतों तले उंगली चबा लेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं संजू बाबा, राजेश खन्ना और उनके बीच एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी वजह से जो संजू बाबा हैं वो राजेश खन्ना को उनके घर पीटने तक चले गए थे। सुनकर बहुत हैरानी हुई ना आपको? भाई आप जब ये किस्सा सुनेंगे तो यकीनन आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे, क्योंकि जब राजेश खन्ना इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे और जब उनकी फिल्में सब हिट जा रही थी तो टीना मुनीम जो कि उस दौरान की काफ़ी दिलकश अदाकारा थी और उनकी जो अपील थी स्क्रीन के ऊपर वो काफ़ी ग्लैमरस एक्ट्रेस के तौर पर रही, और उनकी एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना के साथ और उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद भी किया गया, जिसके बाद इंडस्ट्री में उनके जो लिंकअप्स की खबरें हैं वो खूब तेज़ी से वायरल हुई। हर अखबार और हर मैगज़ीन की हेडलाइन पर वही दोनों छाए रहते थे। उस दौरान संजू जो हैं संजय दत्त वो अपनी पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने टीना मुनीम को देखा था तो टीना मुनीम को देख कर ही वो उनके मुरीद हो गए थे। उनका पहला क्रश जो है संजय दत्त का वो टीना मुनीम बन गई थी, और उस दौरान उन दोनों के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे दौर से गुजर रहा था। लेकिन कुछ वक्त बाद टीना और राजेश खन्ना के जो रिश्ते हैं उसमें दरार आने लगी, क्योंकि राजेश खन्ना पहले से शादीशुदा थे और टीना से उनकी नज़दीकियां उनकी पहली पत्नी को नहीं पसंद आई, जो कि उनके रिश्ते की दरार की वजह भी बनी। और जैसे जैसे उनका रिश्ता ख़त्म हुआ तो टीना काफ़ी परेशान रहने लगी, काफ़ी दुखी रहने लगी, और जैसे ही ये बात संजू बाबा तक पहुँची तो संजू बाबा गुस्से से तिलमिला गए, और जब वो तिलमिलाए तो वो सीधा राजेश खन्ना के घर पहुंच गए और उनसे टीना मुनीम को इंसाफ देने की बात कहने लगे। खैर ये मामला तो उनके लड़कपन का था, उन्होंने राजेश खन्ना से जिस भी लहजे में बात की राजेश खन्ना ने बड़े प्यार से उन्हें समझाया और वापस घर भेज दिया, जिसके बाद सुनील दत्त से उन्होंने फ़ोन पर बात की, और फ़ोन पर बात करने के बाद उन्होंने संजय दत्त को बहुत ही प्यार से समझाया, जिसके बाद ये मामला तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये किस्सा अब भी जब भी लोगों के जहन में आता है, जब भी सुर्खियों में आता है तो हर तरफ संजू बाबा के जो दीवानापन है एक्ट्रेस के लिए वो काबिले तारीफ हो जाता है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।